चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। कुल मिलाकर यूपी की 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बदायूं में 13.3% वोटिंग अभी तक हुई है, ताजा आंकड़ा सामने आया है। मैनपुरी में 12.5% के आसपास वोटिंग हुई और एटा में भी 13% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। तो तीन जगहों से वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बदायूं में लगभग 13% वोट डाले जा चुके हैं, मैनपुरी में 12.5% मतदान हुआ है, तो एटा में लगभग 14% वोटिंग अभी तक हुई है। तो जिन 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, चुनाव चल रहा है और उसका ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक कितने फीसद वोट डाले जा चुके हैं। 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, सबकी किस्मत दांव पर है। इस बीच बदायूं, मैनपुरी और एटा तीनों ही जगह से वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। बदायूं में 13.3%, मैनपुरी में 12.5%, एटा में 13.86% वोटिंग की खबर है। तो तीसरे चरण का घमासान, इस बीच ये ताजा आंकड़ा। इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जोर लगा रही हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी गठबंधन के दल। सभी लोग इसी कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, एटलीस्ट जो पार्टी का अपना कोर वोटर है वो मतदान से चूक ना जाए। इसीलिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि हर एक घर जाकर लोगों को जागरूक करें और उनको पोलिंग बूथ तक लेकर के आए, सुनिश्चित करें। गर्मी के बावजूद सबसे पहले अपना बतौर नागरिक कर्तव्य निभाएं और उसके बाद अपनी छुट्टी के प्लान्स बनाएं। वोट पर्सन के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी नीलू। सीधे चलते हैं डेटा सेंटर की तरफ। नीलू, ओवर टू यू। कुल तो आपको बता दें कि अब 9 बज चुके हैं, अब धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत भी सामने आने लग गया है और एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किन किन जगहों का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तीसरे चरण में बदायूं का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 13.03% रहा है। वहीं अगर बात मैनपुरी की करें तो यहां पर भी 10% से ज्यादा, यानी कि 12.50% वोटिंग अब तक यहां पर देखने को मिली है। और अगर इसके बाद हम बात करें एटा की, तो यहां पर 13.86% वोटिंग हुई है। यानी अगर सुबह सुबह की बात की जाए आस्था और कंचन, तो हमने देखा कि अक्सर थोड़ा मतदान सुस्त रहता है, 9-10-11 तक रहता है, लेकिन इस बार ठीक ठाक है। 13 बदायूं में है तो एटा में भी 13% के आसपास है और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहां पर भी 13 के आसपास ही वोटिंग प्रतिशत है। और अगर ये मान के चले कि थोड़ा और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो शायद इस बार फर्स्ट डिवीजन से ये जो तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है उस पर पास हो जाए। लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोग भी बहुत कम अब बाहर निकलते हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरह से अब आगे मतदान बढ़ता है और मतदान के प्रतिशत की जानकारी लगातार अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। एक बार फिर से चलते हैं आस्था और कंचन के पास। नीलू, ये जानकारी और ग्राफिक्स के जरिए साधारण भाषा में समझाने के लिए एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। आगरा में मतदान का बहिष्कार किया गया है। शमशाबाद के कोठी 4 बीघा गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में विकास ना होने से ग्रामीण नाराज हैं और इसी वजह से मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं ग्रामीण। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। बूथ संख्या 95 की हम बात कर रहे हैं जहां पर मतदान बहिष्कार किया गया है। पहले भी आपने देखा है पीछे 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं उसमें कई गांवों के लोग जो है मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन की टीम उन तक पहुंची, समझाया गया उनको, मतदान के लिए उनको जागरूक किया गया और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वस्त उनको किया गया, तब जाके लोग मतदान करते हुए नजर आए थे। और ऐसी ही अब जुगत में इस बार भी आगरा में जिस मतदान में बहिष्कार किया जा रहा है, मतदान का बहिष्कार जहां किया जा रहा है शमशाबाद के कोठी 4 बीघा गांव में, वहां पर प्रशासन की टीम ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंची हुई है। तो बूथ संख्या 95 पूरी तरह से खाली है। जो लाइन आपको नजर आ रही है उन सबके हाथ में कोई ना कोई चिट्ठी या कार्ड है जहां पर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अपने पूरे इलाके में विकास कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं लोग। इनका कहना है कि इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लिहाजा इसलिए ये वोट नहीं करेंगे। पोलिंग बूथ पर कर्मचारी खाली बैठे हैं, पूरा बूथ खाली पड़ा है। प्रशासन लगातार जुटा है लोगों की मान मनोबल करने में कि किसी तरह उनको समझाया जाए। तो इतना ही नहीं, हाथरस से भी बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। सड़क पर सड़क ना बनने से ग्रामीण नाराज है। यहाँ पर गाँव गड़ी धारू में मतदान बहिष्कार हुआ है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में यहाँ भी जुटा हुआ है। गाँव में रहते हैं 700 से ज्यादा वोटर जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं।
इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बरेली में भी मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। परसा खेड़ा के गरगया गोकिलपुर में बहिष्कार मतदान का, यहाँ पे भी नाराजगी ग्रामीणों की सड़क ना बनने को लेकर है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन बदायूं से इस समय लाइव मौजूद हैं। बदायूं चलते अलाउद्दीन से लेते हैं और जानकारी। अलाउद्दीन, कैसा यहां पर उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? सबसे पहले तो उसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंट आप किस पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों के आप उनसे चुनावी मुद्दे भी जान सकते हैं। किस तरह का उत्साह आपको यहां पर लोगों में दिख रहा है? देखिए, साफ तौर से 7 बजे से ही मतदान यहां शुरू हो गया है। पहले न्यूज 18 की टीम शहर में मौजूद थी, शहर में भी भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। अब आउटर जो इलाका है वहां पर बिलसी से होते सहसवान की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। ऐसे ही पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। साफ तौर से आप देखें तो यहां लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और यहां पर ऑब्जर्वर से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी है। कुछ वोटर्स वोट कास्ट करके आ रहे हैं। मैम, आपने वोट दे दिया है? वोट आपने दे दिया है। देखिए, मेरे साथ एक जो है युवा वोटर है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, खास तौर से किन मुद्दों को ध्यान में लेकर आप लोगों ने वोट कास्ट किया है और कैसा आपके शहर में वोटिंग चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है इस समय तो फिलहाल वोटिंग, और हमें जो पसंदीदा उम्मीदवार है हमने उसे दे दिया वोट। देश के सामने कई सारे मुद्दे हैं मैम, विकास है, रोजगार है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, तो कौन से बिंदु ऐसे रहे दिमाग में जिसके आधार पर आप लोगों ने वोट कास्ट किया है? अब ये तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इस समय, ये तो गुप्त मतदान है। जिसको जहाँ जिसको जिसको जो कैंडिडेट ठीक लगेगा वो उसको वोट देगा। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पर्सनल अपने अपने ओपिनियन है ना सबके, जिसको जो ठीक लगेगा वो उसमें वोट देगा। अब ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू। वोटर्स जो है लगातार इस बूथ पर आ रहे हैं, वोट कास्ट करके जा रहे हैं। कुछ वोटर्स अभी और वोट कास्ट कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ऑब्जर्वर भी जो बदायूं सीट के हैं वो यहां मौके पर आए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने, चीजें बेहतर रहे वो देख करके ऑब्जर्वर यहां से रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर जमीन पर हम बात करें तो तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं भी कर रखी है। लोग जो है लगातार जो है सुबह का वक्त कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। आपसे चर्चा जारी रही है अलाउद्दीन, लेकिन इस बीच स्टूडियो से भी दो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रंजन जी प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कुछ वो सीटें भी हैं जहां पर कई बार आपको उम्मीदवार बदलना पड़ा। बहुत तरह की चर्चाएं चली कि पार्टी के अंदर कई गुट बन गए हैं, क्यों आप लोग एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, संदेश क्या जा रहा है, लेकिन आज वो दिन है जब सबकी किस्मत का फैसला जनता कर देगी। क्या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मुद्दे आप खड़े करना चाह रहे थे वो मजबूती से आप रख पाए हैं, और बार बार रणनीति का बदलना, आपको क्या लग रहा है कि जनता तक क्या मैसेज पहुंचा इससे? देखिए आस्था जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिन लोगों ने वोट डाल दिया है, वोट कास्ट कर दिया, उनको बहुत ढेर सारी बधाई, और जिन लोगों ने भी वोट कास्ट नहीं किया वो घरों से निकले और निकल करके इस लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय करें वोट डालने के बाद। देखिए ऐसा है कि जो आप कह रही हैं कि मेरे लिए 10 की 10 सीटें हमारे लिए अहम है, कोई इसमें परिवार की सीट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक एक प्रत्याशी जो है, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, वो हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। इसलिए सारे सीटों पर हमने ताकत झोंक रखी है। और आपने देखा होगा, अभी मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी महापुरुष की बात कर रहे थे, अरे जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं, अब देखिए इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, अब इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं कि 10 साल में इन्होंने काम क्या किया। आज की तारीख में आस्था जी, कंचन जी, कि 10 साल का जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, की दिशा में आपने क्या किया। तो इनकी भाषा, इनके भाषण में आप देख लीजिए, और ये लोग महाराणा प्रताप की बात करते हैं। अरे महाराणा प्रताप जी का सदैव सम्मान जो है समाजवादी पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी की सरकार में सदैव महाराणा प्रताप जी की जयंती पे अवकाश घोषित किया गया था। इन्होंने इस अवकाश को निरस्त क्यों कर दिया? इन्होंने क्यों, अगर ये महाराणा प्रताप जी के अच्छे सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे मानने वाले हैं, ठीक है, चलिए यही सवाल मैं मनीष जी के पास ले चलती हूँ। मनीष जी, पूर्व में मैंने आपसे पूछा भी था कि क्यों भ्रष्टाचार और नेशन फर्स्ट की बात से आगे चलकर अब मुस्लिम लीग और महाराणा प्रताप तक आई, विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। जी निश्चित रूप से बात कट गई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि हम चुनाव में वोट अपने डबल इंजन की सरकार के कामकाज के आधार पर मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर अपने घोषणा पत्र पे लिखेगा कि हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं, सर्वे कराएंगे हम संपत्तियों का, पैरेंटल संपत्तियों का 55% हम सरकार ले लेगी, इसके अतिरिक्त
इनके समाजवादी पार्टी के जो जियाउर रहमान है इनके एक प्रत्याशी, वो अगर कहेंगे कि वोट देते समय अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार का चित्र सामने रख लेना, इनकी इंडी गठबंधन की मारिया आलम अगर कहेंगी कि वोट जिहाद करो, तो क्या जनता को आगाह नहीं करेंगे इनके मंसूबों से? क्या जनता को आगाह नहीं करेंगे कि ये इनकी सोच देश के प्रति क्या है? आखिर वोट जिहाद की बात कौन लेकर आया, किसने कहा कि अतीक अशरफ और मुख्तार को सामने लाओ? तो निश्चित रूप से देखिए, वोट तो हम डबल इंजन की सरकार के से मांगेंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पे मांगेंगे। मैं बीच में रुकूंगी, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब मतदान शुरू हुआ, जब वोटिंग फेज स्टार्ट हुआ, पहला दूसरा हो चुका है, तीसरा चल रहा है, तब हमने देखा कि एक तो मोदी की गारंटी ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा, और अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे जैसे पहला फेज निकला, दूसरा फेज निकला, ये दोनों शब्द काफी शांत हो गए। लेकिन दूसरे फेज के बाद, तीसरे चरण के लिए, मैं देखा पीएम मोदी ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया और उन्होंने मंगलसूत्र का ये मुद्दा, ये दोनों शब्द आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन दो शब्दों की वजह से जो चुनावी समीकरण है वो आपके पक्ष में ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे? वोट हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगेंगे, लेकिन अगर विपक्ष के इतने खतरनाक मंसूबे हैं, ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नेता अगर कहता है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, तो आखिर ये बताना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके जियाउर रहमान बर्क ने क्यों कहा कि मुख्तार अंसारी, अतीक और अशरफ की फोटो सामने रखिएगा? वोट जिहाद की बात करेंगे तो क्या हम इनको एक्सपोज भी नहीं करेंगे? हम एक्सपोज करेंगे इनको, हम वोट मांगेंगे गांव गरीब किसान के नाम पर, जो आवास, शौचालय, जो कानून का शासन स्थापित किया है, जो जनधन खाते खुले हैं, जो राशन का वितरण हो रहा है, जो कंपनियां बनी है। ठीक है, चलिए, ये दो बातें आपने मुख्य उठाई मनीष जी, क्योंकि हमें ब्रेक भी लेना होगा। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि दीपक जी इस पर रिएक्ट जरूर कर ले। दीपक जी इस पर क्या कहेंगे? वोट जिहाद की बात आपकी पार्टी की तरफ से सामने आई, पाकिस्तान के एक मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र होता है, आखिर क्या काम हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और उस तरह की बयानबाजी का यहाँ पर? दीपक जी, आप जवाब, ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये दो तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, देखिए एक दिव्यांग बच्ची को किस तरह से प्रेम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो हैं कैमरे में कैद हुई है। आज तीसरे चरण के मतदान में एक अलग ही अंदाज में आप देखिए तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें एक ये तस्वीर जहां दिव्यांग बच्ची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, शोर इतना ज्यादा, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन उस बच्ची के पास गए और उसको सुना और उसको आशीर्वाद दिया, ये तस्वीरें। दूसरी तरफ वोट कास्ट करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें गुजरात से आ जाएंगे। तो बिल्कुल, जिस मोदी का परिवार की बात इन चुनावों से पहले चली, किसी बयान का जवाब देने में ही सही, लेकिन तमाम तस्वीरों से वो सामने आता रहा। एक बच्ची जो डिफरेंटली एबल है और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कहती नजर आई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसके सर पर हाथ रखा और अपने भाषणों में भी प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि जो मुझे भी अपना नहीं समझते वो भी मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। अब क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे थे और उसके साथ साथ एक पर्सनल टच जो हर बार उनका होता है, रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी वानी पीते रहें क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पर वोट जरूर डालें, सबसे यही अपील की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी एक एक अपडेट तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से हम चलते हैं शिव के पास। शिव, अगर आगरा की बात की जाए, आप कह रहे थे इस बार फाइट बड़ी जबरदस्त है, सुरक्षित सीट है, और इस बार तो फाइट में बीएसपी भी है, उसने अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, और शायद हालांकि चलिए ठीक है, लगता है हमारे साथ शिव नहीं जुड़े हैं इस वक्त। मैनपुरी एक बार चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए, यहां पर देखिए हमेशा से परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार कोई परंपरा नहीं, कोई किसी की सीट नहीं, कहीं से कोई भी दम भरता हो लेकिन सीट तो बीजेपी के ही खाते में आएगी। प्रचार के दौरान क्या कुछ दिखा, लोग क्या दिखे, क्या अभी भी मुलायम परिवार के प्रति जो उनकी एक आस्था कह लीजिए या प्यार कर लीजिए, वो अब भी बरकरार है, या फिर लगता है कि नहीं अब यहां से कोई और उम्मीदवार या फिर कोई और पार्टी आनी चाहिए? नीलू, देखिए अगर बात मतदाताओं की जाए तो न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी किया था, साथ ही मतदाताओं से बात करने की कोशिश की थी, उनका मूड जाना था, तो वही अपने मौजूदा सांसद डिम्पल यादव से खासे नाराज भी दिखाई दिए थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी है जयवीर सिंह, वो भी दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे थे, हालांकि जनता का भरपूर सहयोग भी उनके साथ देखने को मिल रहा था। आज जो उनके भाग्य का फैसला है वो शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगा, और लगातार जो मैनपुरी की जनता है वो कुछ बदलाव के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड जीरो पर बात की थी तो मतदाता अब की बार उनको ऐसा मतलब चेंज करने के मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन हालांकि सीट पर अब की बार क्या कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा की भी प्रतिष्ठा या दांव पे लगी हुई है, और मुख्यमंत्री अगर प्रशांत जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है या फिर परिवर्तन चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है। आप तीनों बने रहिएगा।